झारखंड में नगर निकाय चुनाव फिलहाल नहीं कराने के निर्णय के बाद राज्य के सभी 48 नगर निकाय 30 अप्रैल के बाद से अफसरों के हवाले हो जाएंगे, क्योंकि 28 से 30 अप्रैल तक सभी जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। इसके बाद नगर निकायों के सभी काम अफसरों और स्टाफ के हाथ में होगी। वहीं निकायों में मेयर, डिप्टी मेयर, अध्यक्ष और वार्ड पार्षद के पद भी खाली हो जाएंगे। 30 अप्रैल के बाद उनके पास कोई काम नहीं होगा। यही वजह है कि रांची की मेयर और डिप्टी मेयर ने सरकार और महामहिम से निकाय चुनाव में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है। वहीं सभी जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल को विस्तार देने की मांग की है, जिससे कि जनता की समस्याओं का वे समाधान कर सके। इस पर बीजेपी ने भी तंज कसते हुए कहा है कि झारखंड के 34 नगर निकाय चुनाव में आज से अफसरशाही हावी हो जाएगी। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शहर की सरकारों को भी इन्हीं अफसरों के माध्यम से चलाएंगे। यह बेहद खेदजनक स्थिति है और सरकार का पिछड़ा वर्ग के प्रति नकारात्मक रवैया भी दिखाता है। आखिर हेमंत सरकार ने ही ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिए बिना नगर निकाय चुनाव की घोषणा की थी। मामला सर्वोच्च न्यायालय में जाने के कारण चुनाव रोकना पड़ा। सरकार को अविलंब पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट कराकर अति शीघ्र नगर निकाय चुनाव कराने चाहिए। देखिए, झारखंड में आज से 34 नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त हो गया और अब स्टेट कैबिनेट ने निर्णय लेकर इन नगर निकायों की सारी शक्तियां जो थी वो अफसरों को दे दी। यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अब तक तो राज्य सरकार चला ही रहे थे, अब वो शहर की सरकार को भी इन्हीं अफसरों के माध्यम से चलाएंगे। ये बेहद अफसोसजनक स्थिति है और मुझे लगता है ये तीसरे लेवल की डेमोक्रेसी, जो सपना हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देखा था शहर की सरकार को मजबूत करने का, उसको कमजोर करने की एक बड़ी साजिश है। और आप देखिए, ये स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि इन्होंने बिना पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए चुनाव कराने की घोषणा की थी और जब ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया तब जाकर राज्य सरकार बैकफुट पर आई। तो ये साफ दिखाता है कि ये राज्य सरकार ना सिर्फ ओबीसी विरोधी रवैया रखने वाली राज्य सरकार है, बल्कि इस राज्य सरकार में अफसर पूरे तरीके से हावी हैं और आज से नगर निकाय भी इन्हीं अफसरों के हवाले हैं। हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री जी अविलंब जो पिछड़े वर्ग के लिए ट्रिपल टेस्ट की आवश्यकता है वो कराकर नगर निकायों के चुनाव की घोषणा करें। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।